नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएसयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फाइनली आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आपके एडमिशन को ओनली तय नहीं करेगा। अब यहां से आपको अवेयर रहना है अपने काउंसलिंग के लिए, क्योंकि काउंसलिंग के जो भी वीडियोज हैं अगर आप वो देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स बेसिस पे मिल सकता है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि गाइज, काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है एडमिशन में। हर यूनिवर्सिटी के कट ऑफ जो है वो सेम नहीं होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में सीट जो है वो सेम नहीं होती है, हर यूनिवर्सिटी की चॉइसेस बच्चों के मन में नहीं होती है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक वैल्यू जरूर है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी हर बच्चों के ड्रीम सेम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा और आपको लगे रहना पड़ेगा। तो कमिंग वीडियोज जो है वो हमारे कट ऑफ एनालिसिस पे है, लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है, जिसको हम लोग शॉर्ट में BHU बोलते हैं, उसमें एफिलेटेड और मेन कैंपस में अलग अलग कोर्सेज में कितनी सीटें हैं, ये तमाम बातें जो है आपको इस एक वीडियो से पता चल जाएगा। ये है लिस्ट ऑफ UG कोर्सेज 2022। ध्यान देना, 22 इट मींस अब ये आपका अपडेटेड डेटा है, यानी सबसे नया डेटा मैं आपको दे रहा हूं। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए, आप इस पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोर्स रनिंग इन BHU वो है BA ऑनर्स। ध्यान देना, BHU में BA ऑनर्स है, यहाँ पे प्रोग्राम नहीं चलता है, यानी आपको लास्ट ईयर में स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है किसी एक सब्जेक्ट से। अभी मैं कोर कॉम्बिनेशन और बाकी आपके जो भी एक्जिलरी सब्जेक्ट, एंसिलरी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब पे मैं बाकी वीडियोज बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो कि BA आर्ट्स जो है वो मेन कैंपस में भी है, मेल फीमेल दोनों के लिए, यानी कोएडेड कॉलेज चलता है। महिला महाविद्यालय फीमेल कॉलेज है, AMPG फीमेल कॉलेज है, VKM फीमेल कॉलेज है, VCW फीमेल यूनिवर्सिटी है, और DAV जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर इसमें हम लोग सीट की अगर वैल्यू देखें तो वो है 765। ठीक है, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा रंग के भी दिखा दूं ना, बहुत सारे लोगों को शायद, एक मिनट, अच्छा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 765, 765 सीट जो है वो आपके मेन कैंपस में है BA आर्ट्स का। अगर हम लोग महिला महाविद्यालय में बात करें तो 286, AMPG यानी आर महिला PG कॉलेज की बात करें जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेन गेट से लगभग मान के चलो 5 से 6 किलोमीटर आपका नई सड़क के पास है, ठीक है, हथुआ मार्केट के पास, आप लोग गूगल करके देख लेना, वहां पे है 383। उसके बाद VKM जो है यहाँ पे है 298, VCW 412 और DAV में है 309। ठीक है, ध्यान देना, इसका जो कोर्स कोड बनाया गया है वो 131, खराब वो काम का नहीं है आपके, क्योंकि अब तो आप लोग फॉर्म भर चुके हो। तो फाइनली ये आपके BA आर्ट्स का सीट डिटेलिंग है। अब हम लोग सोशल का भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग वोकेशनल कोर्स का देखते हैं। पूरा कोर्स बताने वाला हूं, यानी इस वीडियो को चाहे किसी भी कोर्स का बच्चा देख रहा है आप लास्ट तक देखो, ठीक है। वोकेशनल कोर्स मेन कैंपस, आपको मैं बता दूं कि अभी 2021 से पहली बार वोकेशनल कोर्स यानी जिसको BVOC बोलते हैं, पहली बार इंप्लीमेंट हुआ है कहाँ पे, मेन कैंपस में। इससे पहले ये कोर्स कहाँ चलता था, इससे पहले ये कोर्स ओनली बरकच्छा यानी BHU का एक पार्ट है, जिसको हम लोग साउथ BHU भी बोलते हैं, राजीव गांधी साउथ कैंपस RGSC शॉर्ट में बोलते हैं, तो वहां पे ये कोर्स रन करता था, लेकिन अभी मेन कैंपस में आ चुका है। और यहाँ पे ABCDEF इसके टोटल यहाँ पे कितने हैं, 6 स्ट्रीम्स हैं, कितने, 6 स्ट्रीम्स हैं, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंटरेस्ट के बेसिस पे आप लोग जा सकते हो। ठीक है, तो जिसमें देखो यहाँ पे होटल मैनेजमेंट, मैं लास्ट का बस आपको प्रोनाउंसिएशन सुना रहा हूँ, ये फैकल्टी आप आर्ट्स में है 62, उसके बाद टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 62, उसके बाद बैंकिंग इंश्योरेंस एंड रिटेलिंग 62, उसके बाद यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वो है 62, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये एग्री बिजनेस का है, आप लोग इसको शॉर्ट में एग्री बिजनेस बोल सकते हो, ये भी 62, कंप्यूटर एप्लीकेशन 62, यानी टोटल 62 यहाँ पे पूरे 6 स्ट्रीम की मेन कैंपस में सीटें हैं। ये सीटें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस सीट के बाद मैं आपका कट ऑफ एनालिसिस करूंगा, तो सीट पता होना चाहिए ना भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब देखो सी पे आते हैं, ये देखो RGSC यानी बरकच्छा में जो सीटें हैं इसकी, उस पे देखो, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 ब्रांचेज यहां पे भी है,
मुझे डाउट था कि शायद ये ब्रांचेज मेन कैंपस में आई है कि नहीं, थैंक गॉड चलो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, हाँ देखो लेकिन ध्यान देना यहाँ पे स्ट्रीम बदलेगा। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मुझे लग रहा है इसमें देखो नहीं है, ध्यान से देखो नहीं है, देखो इसमें लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहीं नहीं है। तो यहाँ पे एक नया आ गया वो है रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जहाँ पे 62 है। हॉस्पिटलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट देखो मेन कैंपस में था, आरजीएससी में भी है 62। उसके बाद फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपीयरल डिजाइनिंग 62। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट देखो इसमें नहीं था। ठीक है, ये देखो मेन कैंपस में नहीं है, यानी अगर आपको मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट करना है तो आपको आरजीएससी जाना पड़ेगा। ठीक है, मिर्जापुर में जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहां पे भी 62। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है क्या, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट 62, और यहां पे है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये भी 62। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब हम लोग आ जाते हैं आपके बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज। यहां पे बीएचयू के दो भाई हैं, एक है आर्ट्स दूसरा है सोशल साइंस। आर्ट्स हम लोग देख लिए, सोशल में जो मेन कैंपस में सीट यानी महिलाएं और पुरुष, लड़का और लड़की एक साथ पढ़ सकते हैं जिससे कि दोनों लोग का मन लगा रहे, और उसमें जो सीट रखी गई है वो रखी गई है 573। ओके, इंग्लिश में ही बोल देता हूं, महिला महाविद्यालय 193। एएमपीजी महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है 383। ठीक है, बीकेएम में 274, बीसीडब्ल्यू में 210। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस कोर्स के बारे में, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यानी बीकॉम में कितनी सीटें हैं। बीकॉम देखो बच्चे बार बार डाउट करते हैं कि सर बीकॉम कहाँ कहाँ पढ़ाया जाता है। बीकॉम देखो मेन कैंपस में पढ़ाया जाता है, डीएवी में पढ़ाया जाता है, बीसीडब्ल्यू में पढ़ाया जाता है, एएमपीजी में पढ़ाया जाता है, और आरजीएससी में पढ़ाया जाता है। बार बार बच्चे सोचते हैं कि सर एमएमबी में पढ़ाया जाता है कि नहीं, देखो यहाँ पे एमएमबी मेंशन नहीं है, यानी बीकॉम एमएमबी में नहीं है। तो लड़कियां जो सोचती हैं कि बीकॉम करना है एमएमबी ले लेंगे, तो वो वहां नहीं है। ठीक है, यहां पे 286 मेन कैंपस में, 96 बीसीडब्ल्यू में, डीएवी में 227, ईएमपीजी में 96, और आरजीएससी में 114। ध्यान देना ये आपकी फिक्स वैल्यू सीटें हैं, अभी मैं जितनी सीटें बता रहा हूं ये आपकी एकदम फिक्स वैल्यू सीटें हैं। अभी ये सीटें बढ़ेंगी, इसमें प्लस पेड सीट, प्लस रिजर्वेशन कोटा ईडब्ल्यूएस, इसमें प्लस स्पोर्ट्स कोटा, प्लस फॉरेन कोटा, प्लस बहुत सारे हैं, इसमें कोटा ऐड होगा, कोई 10%, कोई 3%, तो वो अलग से मैं आपको बताऊंगा कि सीटें बढ़ती भी हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आरजीएससी के लिए कुछ ऐसी चीजें यहाँ मेंशन की गई है, वो फीस से रिलेटेड है कि आप वहां पे लेते हो तो 25,000। तो मैं फीस वाले जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इस चीज को मेंशन करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे फिर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज है, जैसे बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये मेन कैंपस में भी है, राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी है, और इसमें जो सीट रखी गई है वो देखो ध्यान देना। ठीक है, वो मिनिमम और मैक्सिमम, यानी लगभग इसमें 31x31 और 62x62, यानी 31 सीटें जो है वो मेन कैंपस में, 62 जो है वो आपके क्या है आरजीएससी में होंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं वो, अब देखो बच्चे आ गए जनरल कोर्सेज यानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब बीएससी के बच्चों की मैं बात करने जा रहा हूँ, बीएससी के बच्चों के लिए जो सीट है वो है, यहाँ पे भी बीएससी ऑनर्स चलता है, मैथ्स ग्रुप की जो सीटें हैं फैकल्टी ऑफ साइंस मेल फीमेल दोनों के लिए हैं 573। महिला महाविद्यालय में भी 96 सीटें हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस जो है बायो ग्रुप के लिए वो है 383, मैथ वालों के लिए कितना है 573, लेकिन बायो वालों के लिए कितना है 383, महिला महाविद्यालय में 193। ध्यान देना यहाँ पे देखो किसी भी बाकी अफिलेटेड कॉलेज को मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब बीएससी जो है बाकी कॉलेजेस में रन नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यानी जिसको हम लोग एग्रीकल्चर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं, अब बीएससी एजी जिसको बोलते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जैसे एग्रीकल्चर ऑनर्स लेके पढ़ते हो तो उसके लिए मेन कैंपस में ही बस सीटें हैं, और उसमें कितनी सीटें हैं 154। ठीक है, कितना है यार 154। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आरजीएससी के लिए जो सीटें हैं देखना, ठीक है, राजीव गांधी मार्ग लिखा हुआ ना मेल फीमेल दोनों के लिए मिनिमम 31 और मैक्सिमम 50, यानी कम से कम 30-31 एडमिशन है और ज्यादा से ज्यादा 50 एडमिशन इसमें है। उसके बाद यहाँ पे बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी दोनों का अलग अलग है, दोनों के लिए 30-30 सीटें मेन कैंपस। देखो देखो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी मेन कैंपस मेल एंड फीमेल, यानी ये आरजीएससी है बाकी अफिलेटेड कॉलेज में नहीं है, ये ओनली मेन कैंपस में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग नोटिस पढ़ भी लेना यार, इसका मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे फैकल्टी ऑफ लॉ।
यानी अब लॉ जो बच्चे करना चाहते हैं उनकी जो बीएलएलबी की सीट है ऑनर्स वाला, वो देखो बस मेन कैंपस में है। ऐसा नहीं है कि लॉ आपको एमएमबी मिल जाएगा, एफिलेटेड कॉलेज आरजीएससी बीसीडब्ल्यू भीके या एएमपीजी डीएवी इन सब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये बस आपको अवेलेबल होगा मेन कैंपस की धरती पर, और उसमें जो आपकी मैक्सिमम सीटें हैं वो 74 है, कितना 74। और इसमें एक बात नोट करना है कि इसमें पेड सीटें नहीं रखी गई, शायद मेंशन भी होगा मुझे लग रहा है, अच्छा इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये स्पेशल कोर्स में आता है, इसकी पेड सीट जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। और इसकी जो फीस जो है 60,000 पर एनम है, यानी पर साल का। अब हम लोग आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का, बीपीए। देखो यहाँ पे ना सबका अलग है, सितार, फ्लूट, वायलिन, तबला, कथक, भरतनाट्यम, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। तो ओवरऑल देखो सब में कितनी सीटें हैं, 20, 20, 20, 20, 20, 20, ठीक है, यानी 20 सीटें हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बीएफए, यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये आपका परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स में आता है, और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इसको बोलते हैं। ये बस मेन कैंपस में अवेलेबल है, और देखो ये जो है ना ये भी देखो बस मेन कैंपस में अवेलेबल है। देखो डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ ना डिपार्टमेंट ऑफ डांस, ये सब बस मेन कैंपस में अवेलेबल है, ध्यान देना। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली बात है, अगर कोई बीए का कोर्स लेता है और उसमें एज अ म्यूजिक को अपना सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो आपको एफिलेटेड कॉलेज में मिल जाएगा, क्योंकि जो म्यूजिक है ना वो एज अ सब्जेक्ट भी बीए में है, वो मैं कभी आपको पूरा कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे बीएफए का बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स मेल फीमेल दोनों, ये है 96, टोटल कितनी सीटें हैं 96 सीटें हैं, 96 सीटें हैं जिसमें भी पेड सीट और बाकी जो सुपर न्यूमेरिक वैल्यू है वो ऐड होगा, तो टोटल 96 सीटें हैं। लास्ट में क्या है, फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म, जिसको हम लोग SVDV बोलते हैं शॉर्ट में, इसमें आपके संस्कृत ऑनर्स के लिए जो है BHU मेन कैंपस वो है 375। देखो अब यहाँ पे एक डाउट क्लियर करो, SVDV में अगर आप पढ़ाई करते हो तो इसका जो संस्कृत है वो अलग है, और अगर आप BHU BA में एडमिशन लेके संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हो तो वो अलग है। यहाँ पे जो डिग्री मिलेगी वो SVDV का मिलेगा, वहाँ जो डिग्री मिलेगी वो आर्ट्स फैकल्टी का मिलेगा, और दोनों में पढ़ाई भी अलग अलग है। इसके आगे जाने के बाद ब्रांचेस हो जाते हैं, कोई वेद लेके पढ़ने लगता है, कोई मतलब कथा पुराण का, मुझे अभी उसका एनालिसिस करनी पड़ेगी, और लेकिन जब आप लोग BA में संस्कृत लेके पढ़ते हो तो वो लिटरेचर है, समझ रहे हो ना, वो लिटरेचर है, लेकिन ये आपके सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है SVDV वाला, ठीक है। आप लोगों खान का बहुत मुद्दा सुने होंगे जो यहाँ पे एक टीचर का हुआ था, खैर बरेवलो वो अलग मुद्दा है। तो फाइनली ओवरऑल आज मैंने आपको पूरा एक कोर्स कर दिया, सीट वाइज मैंने बता दिया कि कितनी सीटें हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपको BHU पाठशाला को सब्सक्राइब करना ही है, इसलिए करना है क्योंकि काउंसलिंग के 100 वीडियोज आ रहे हैं, मिशन काउंसलिंग, और आप इस 100 वीडियोज को देखते हो तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन भी हो जाता है। आपको मैं हर एक बात समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप देखो, ठीक है, और ये आप मेरे कहने पे अपने भले के लिए देख लो, बाकी मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मैं हर कम से कम मार्क्स पे यूनिवर्सिटीज के एनालिसिस करूंगा, वो लिस्ट मैं ढूंढ के ले आऊंगा, कहीं से भी ले आऊंगा, आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप इस रास्ते पे जाओ, आपको हो सकता है यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो थोड़ा सा भरोसा करो, मुस्कुराते रहो, BHU पाठशाला का हर एक वीडियो देखते रहो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और आप लोग भर के कॉमेंट्स करना, मेरे लिए भी कमेंट्स करना, अपने कट ऑफ मार्क्स के लिए भी आप लोग कमेंट्स करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल। लास्ट में यही बोलूंगा, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।